लगे हाथ आप इस खबर को भी अपने हाथों में ले लो। जी हाँ, आज आप लोगों को फिर से तीन चार ऐसी गुड न्यूज है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। डीडी फ्रीडिस के सबसे बड़ी अपडेट वो आ चुकी है, और दोस्तों दूसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों हॉटबर्ड सैटेलाइट की है। जी हाँ दोस्तों, जिनको नहीं मालूम उनको बताते चले, हॉटबर्ड नाम ही काफी है। साथ ही दोस्तों एक और गुड न्यूज है जिसके बारे में मैं आगे इसी वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है देश के नंबर वन डीटीएस रिलेटेड यूट्यूब चैनल साहिल फ्रीडिस में। इस वीडियो को हेड्स लाइक और चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आप ऐसा करते हैं तो आपको मिल सकता है हमारे यूट्यूब चैनल के तरफ से बिल्कुल फ्री में फुल एचडी वाला सेटअप बॉक्स। जी हाँ, कमेंट करना भी दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों फुल एचडी वाला सेटअप बॉक्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा सकता है। अब आइए दोस्तों हम काम की बात कर लेते हैं। दोस्तों डीडी फ्रीडिस की शुरू करूं या हॉटबर्ड की? तो दोस्तों चलिए डीडी फ्रीडिस के यूजर्स के लिए डीडी फ्रीडिस की शुरू कर देते हैं, बाकी हॉटबर्ड की आगे। दोस्तों डीडी फ्रीडिस की जो अपडेट निकल के सामने आ रही है, अगर आपने ये वाली खबर हमारी ना देखी हो तो देख लीजिए। सोनी पल टीवी चैनल की जो खबर निकल के सामने आ रही है, सोनी पल टीवी चैनल ने ऐसा अनाउंस किया है कि हम डीडी फ्रीडिस पर होने वाले अगले ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर डीडी फ्रीडिस पर उन्हें स्लॉट मिल जाता है, जगह मिल जाती है, तो ये डीडी फ्रीडिस पर एक बार फिर से दिखाई पड़ने लगेंगे, और यही हाल हर एक टीवी चैनलों का है। ठीक है, तो अगला ई ऑक्शन अति शीघ्र होगा, और अगले ई ऑक्शन का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जब भी होगा तो आपको सबसे पहले आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बतला दिया जाएगा। बात करते हैं हॉटबर्ड की। जी हाँ, चेहरा आप लोगों का खुश हो गया होगा हॉटबर्ड का नाम लेने से ही। तो दोस्तों सबसे पहले हॉटबर्ड की अभी की अपडेट बता दें। अभी क्या है, भारत के ऊपरी हिस्से में कुछ एक हिस्सों में थोड़ा बड़ी छतरी लगा के आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आने वाला टाइम आपका होगा छोटी डिस्प्ले ऑल ओवर इंडिया में, और इंडिया के आजू बाजू जो कंट्रियां हैं वहां पर आपको देखने के इसका सिग्नल मिल जाएगा। दोस्तों अभी जो अपडेट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सिनेमा सेंट्रल यूरोप ऐसे ऐसे चैनल हैं, यहां पे रशियन चैनल है, यहां पर आपको बहुत सारे और भी टीवी चैनल देखने को मिलेंगे। इंडियन काफी सारे चैनल यहां पर इस सैटेलाइट पर भरे पड़े हुए हैं। और ये भी मैं बताते चलूं, ये सैटेलाइट अब कब आएगी? दोस्तों इस सैटेलाइट का जो सिग्नल है दिसंबर में बढ़ने वाला है, पिछले साल भी थोड़ा बहुत बढ़ा था। तो अभी मैं लखनऊ में हूँ, लखनऊ में मुझे इसका सिग्नल 4 फीट पे हल्का फुल्का मिलने लगा था, और यकीन मानो मुझे चैनल भी मिल गया था, और वो चैनल सारे के सारे स्कैम्बर्ड थे, तो इसीलिए मैंने टीवी लिस्ट की चैनल लिस्ट की जो वीडियो है बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि कोई भी चैनल वहाँ पर प्ले नहीं था। हाँ, रात के इसी समय के आसपास में मुझे वहाँ पे सिग्नल मिल जाता था, और चैनल हमें आते थे, मिलते थे, लेकिन कोई चैनल वहाँ पे चलता नहीं था। ठीक है, लेकिन दिसंबर में अब इसकी जो सिग्नल की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक और सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है, वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगी, और जब काम करना स्टार्ट कर देगी तो ये पूरे एरिया को कवर करेगा, और आपको छोटी डिस्प्ले इसका सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका पश्चिम के साइड में रुख है, पश्चिम के साइड में आपको एंटीने का रुख करना होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस सामने कोई दीवार ना हो, कोई मकान ना हो, तभी आपको इसका सिग्नल मिलेगा। क्योंकि एंटीने को, जैसे मान लो ये डीडी फ्रीडिस आपने ऐसे लगा लिया, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कैसे। मान लो ये डीडी फ्रीडिस आपने ऐसे लगाया, ठीक है, ऐसे लगाया है ना डीडी फ्रीडिस, तो आपको जब पश्चिम घुमाएंगे तो देखो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, जब पश्चिम घुमाएंगे तो ये आपका एंटीना ऐसे झुकेगा, एकदम नीचे जमीन को चूमते हुए एलएनबी रहेगी, तो आपको इससे सिग्नल मिलने वाला है। एक और जो दूसरी खबर है वो आपके फायदे की है, आप बताइए अभी हमारी जो 6 बजे वीडियो आई थी, 6 बजे के बाद आई थी, उसमें क्या फर्क है और इस वीडियो में क्या फर्क है, क्या मैंने बदलाव किया है? पूरा सेटअप में भी देख लेना, मेरे हुलिये में भी देख लेना, सही कमेंट कीजिए, और हमसे कुछ नया फ्री में ले जाइए, गिवअवे में करूंगा, ठीक है, आपको फ्री में पुरस्कार दूंगा। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद।